क्या हो रहा है सब? पढ़ाई लिखाई छोड़कर? कुछ नहीं पापा, मैं तो बस पढ़ाई कर रहा हूँ। फोन चला रहे हो और कहते हो कि पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे बेवकूफ समझ रखा है? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस दोस्तों से ही पूछ रहा था कि कब प्रोजेक्ट सबमिट करना है, और कुछ नहीं। अपने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भूल गए क्या तुम? फेल होते होते बचे थे, इस बार भी वही करना। सारा दिन मोबाइल पर लगे। प्रोजेक्ट बनाना है पापा, इसीलिए मोबाइल जरूरी है। सबके पास लैपटॉप है पर मुझे तो फोन से ही काम चलाना पड़ता है। आप सबसे कुछ नहीं मांगता हूँ मैं, पर इतनी तो आजादी दीजिए। मोबाइल नहीं थी तो क्या पढ़ाई नहीं होती थी या फिर प्रोजेक्ट नहीं बनते थे? तुम्हें क्या लगता है संजीव, पढ़ नहीं पाया तो मुझे नहीं मालूम कि पढ़ाई कैसे होती है? तुम लोगों जैसा जब भी मौका मिला होता आज अभी कहां से कहां पहुंच जाता। आपका समय कुछ और था पापा, पर समय बदल चुका है। प्रोजेक्ट के लिए मोबाइल जरूरी है पापा, समझिए आप। बहस मत करो, फोन दो मुझे। जब से मोबाइल आया पढ़ाई लिखाई चौपट होगी। लाओ फोन दो मुझे, कहा ना फोन दो मुझे। एग्जाम होने के बाद ले लेना। क्या रे यार, कितने बार कॉल किया तुझे, तेरा मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। तेरा चेहरा उतरा हुआ सा क्यों है, रो रहा था क्या? प्लीज तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा मूड ठीक नहीं है। अच्छा तो मेरे यार का मूड खराब है। क्या हुआ भाई, पापा ने डांट दिया क्या? अरे इसे मूड खराब करने को क्या, हमें तो देखो, हमें तो डांट खाने की आदत है। अरे यार माँ बाप तो होते ही है डांटने के लिए, और जब तेरी एंजल तुझे डांटती है तब तो बुरा नहीं लगता तुझे। चल यार छत पर चलते हैं। क्या यार तू नहीं चलेगा? सब चलो मैं आ रहा हूँ। छोड़ यार, बच्चों की तरह रोना धोना बंद कर, ये ले चार फुक मार और मूड बना। ले ले। सिगरेट पीने से क्या मेरे दुख दूर हो जाएंगे? बिल्कुल, तेरा दुख छूमंतर हो जाएगा। नशा हर दुख की दवा है। एक बार मुझे भी पापा ने रिजल्ट खराब होने पे डांट लगाई थी, उस दिन मैं भी तेरे तरह बहुत अपसेट था, तो रॉकी ने मुझे ऐसी दवा दी कि बस पूछ मत यार। अबे ले ना, क्या हुआ अमन, आज तू इतना उखड़ा हुआ सा क्यों है? पापा ने रिजल्ट खराब होने पे डांट लगाई,
बस इतनी सी बात। चल भाई तू अड्डे पे चल। ये कमन मैच यही आप उनका अड्डा। चलो आज तेरे हर एक गम को चुटकी में दूर किए देता हूँ। मेरा तेरे पास ऐसा क्या जादू है जो मेरे हर एक गम को दूर किए देगा? रोग तो बता भाई, मेरे पास हर मर्ज की दवा है। चल हाथ बढ़ा। ये क्या है? बढ़ाना। कैसा महसूस हो रहा है दोस्त? फीलिंग वेरी नाइस यार। देख भाई अमन, तुम्हें इन सब चीजों का मजा लेना है ना, तो कल घर से कुछ माल पानी लेके आ। लाओ ओके। ये मजे का सामान ना मुफ्त में नहीं मिलते, पैसे देने पड़ते यार। यार मुझे जब पॉकेट मनी मिलती है वो तो कॉलेज आने जाने में ही खर्च हो जाती है। कमॉन यार, कुछ उपाय करना, पापा की जेब की सफाई कर ले। बच्चा नहीं रहा, बच्चों ऐसी बातें कर। अच्छा कोशिश करूंगा। रितिका, रितिका, हेलो हेलो रितिका, सॉरी सॉरी जानू, मैंने कल तुम्हें बहुत डांट दिया ना, सॉरी। हमें मैं अभी आता हूँ रितिका। भाई भाई तुम सोचना इसके बारे में। हाँ क्या हुआ भाई, क्या हुआ, इस दुनिया में खो गए तू? नहीं भाई कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम तो कुछ कहने वाले थे ना? हाँ हाँ हाँ, अब तो कोई दुख सारा बाजु पटकने का साहस भी नहीं करता। देख भाई जिंदगी मिली है तो सोच मत कब क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कब क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। अरे यार अभी बादल गिर गए, अंधेरा भी हो गया है थोड़ा, लाइट तो जला दे। अब ठीक है। अच्छा तो तुम सब इसे भी अपनी तरह नसबाज बनाना चाहते हो? देख संजीव, तुम्हारे बेटा तुम्हें कितनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं और अब तुम यही सब करो। तुम्हें पता है हमारे माता पिता खुद भूखे रहते और अपनी सारी खुशी हमारी झोली में डाल देते। तुम सब अभी नशे की गिरफ्त में हो, अभी मेरी बात समझ नहीं आएगी लेकिन जल्द समझ जाओगे। भाई संजीव Thank you.
जिंदगी में हरियाली छा गई है। अच्छा लोग से बात पूछूं, लैक इलाके में गए हो? बहुत ही मस्त जगह मेरे भाई, एक बार जो जाता है ना उसे बार बार जाने को मन करता है। ऐसा क्या होता है रोकी भाई? वो एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपने हवस को शांत करने जाते हैं, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर एंजल्स अपना जिस्म बेचा करती है। तब तो भाई लोग हम लोगों को भी वहाँ चलना चाहिए। जरूर जरूर जरूर। तो भाइयों चलो तुम लोगों को जन्नत की सैर करवाता हूँ। जिंदगी का मजा लेना है तो भी मम्मी पापा को भूल जा। चल अबे गांडू बैग बैग को उधर रख। अरे यार इसे चखना भी खिला, सिर्फ पिलाए जा रहे हो।
ले। क्या संजीव, तुम भी लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। तुम्हें पता है आजकल की लड़कियां लड़कों से चार कदम आगे हैं ऐसा करने में। चल फटाफट ग्लास खाली कर, मैं दूसरा पैक बनाता हूँ। हाँ संजीव, आंख बंद करके एक साथ गटक ले। कूल भाई कूल, इसे हमारे जैसा बनने में थोड़ा समय लगेगा। बस यार बस। चल ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। हमें अब चलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। तो चिंता मत कर, हम सब तुम्हें घर छोड़ते हुए जाएंगे। चलो भाई लोग। जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें जमाने के साथ साथ चलना ही होगा, लेकिन एक अच्छे फ्यूचर बनाने के लिए पहले अपने वर्तमान को ठीक करना ज्यादा जरूरी है, वो भी अच्छाइयों के साथ। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि आजकल के यंग जनरेशन अपनी पढ़ाई लिखाई और करियर पर ध्यान ना देकर किसी गलत संगत में फंस जाते हैं और नशे के गिरफ्त में आ जाते हैं। अरे आओ आकाश, कैसे हो तुम? ठीक हो भैया, मैंने आपकी बातों को सुना, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ देर पहले मैंने डॉक्टर वालों से बात की, पता चला कि उसे कैंसर हो गया। क्या? अभी वो हॉस्पिटल में है। कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पर नशे ने उसे पूरी तरह से खोखला कर दिया। नशा नाश का दूसरा नाम है, अब तक सुना ही था, आज देख भी लिया। ये तो बड़ी दुख की बात है, अब कर भी क्या सकते हैं। अब मेरे तो रमेश को ही देख लो, इतना टैलेंटेड स्टूडेंट था, पर शराब और गांजा जैसी नशीली चीजों ने ना केवल उसको नुकसान पहुंचाया बल्कि उसके पूरे फैमिली को बर्बाद कर दिया। आपने सही कहा भैया, मैं भी नशे के होड़ में आकर ना जाने क्या क्या नसमझी कर बैठा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मतलब नशा चाहे जैसा भी इंसान को बर्बाद ही करता है। हाँ संजीव, नशा बर्बादी का पैगाम है। नशा इंसान के शरीर को तोड़ता है, उसे कमजोर और रोगी बनाता है। नशे को छोड़ और जीवन को एक नया मोड़ दो।